असलकुम वेलकम बैक टू माई चैनल एल के ट्विटर उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो डो एंड वन ऑफ माई सब्सक्राइबर यानी स्टूडेंट्स अनुष्का बत्रा एंड शी comment me on one of my video that uh, she requires a notes and lecture of uh, one of the topic related to that video that is the satellite callers and that's why i am making this video so i think so that uh, these kinds of you know uh, responses are uh, very uh, appreciable for us uh, so that we can make uh, more content or more videos uh, on a specific content or you you know if you have any inquiry related to that topic so you can easily ask from us so that we can uh, our we youtubers so that uh, we can make uh, more videos on different topics you know different content for you so <clears throat> without being late we move to our topics that is the satellite colors basically so what is the satellite colors and what are their purpose and what are their types and what are the functions of satellite collars basically so uh, if you require the notes or if you require the lecture of that satellites so uh, this is in my previous video uh, the set what are the satellites and what is a gps system and what is vhf system and these kinds of and what are their advantages and disadvantages so these are all kinds are already mentioned in my videos so that's why i'm making on a specific topic that is the satellite collars so सेटलाइट कॉलर बेसिकली कम्युनिकेट्स विद सेटेलाइट एंड अलाउ रिसर्चर्स टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनिमल्स विदाउट मैनुअल यूज़ ऑफ एंटीनाज ठीक है अब सेटेलाइट कॉलर सही टाइप ऑफ कॉलर्स होते हैं ठीक है जो कि सेटेलट्स के साथ कम्युनिकेट की होते हैं कनेक्ट होते हैं ठीक है और मेजॉरिटी मतलब हमारे पास जो साइंटिस्ट होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं मतलब कि एनिमल्स की एग्जैक्ट लोकेशन को देखने के लिए ठीक है सेटेलट कॉलर्स आर डिवाइसेस डिजाइन टू ट्रैक एंड मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ एनिमल द फर्स्ट थिंग विच वी डिटरमाइन थ्रू दी सेटेलाइट कॉलर्स आर द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स ठीक है वो मूव कैसे कर रहे हैं कौन सी माइग्रेशन पैटर्न है उनका ठीक है ताकि उनका हम लोकेशन देख सकते हैं उनका बिहेवियर देख सकें ठीक है यहाँ पे लिखी है एक बात टैगड एनिमल्स टैगड एनिमल्स वो वाले एनिमल्स होंगे जिनको हमने कॉलर पहनाए हुए होंगे लाइक like, दिज कॉलर्स आर पुट अराउंड देयर नेक अराउंड देयर लेग ठीक है अराउंड देयर आम सो दीज आर कॉल्ड द टैग्स एनिमल्स ठीक है जिनको हमने ये कॉलर पहना दिए अब उनकी लोकेशन को हमने डिटरमाइंड करना है सो दीज कॉलर्स आर डिज़ाइंड इन सच अ वे टू विच अलाउ द रिसर्चर्स एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स बेसिकली टू ट्रैक देयर लोकेशन टू ट्रैक देयर बिहेवियर देयर लोकेशन देर देयर मूवमेंट ऑफ एनिमल्स बेसिकली सो वॉट इज द पर ऑफ दी सेटेलाइट कॉलर्स बेसिकली सो यू नो जी पी एस डॉग कॉलर्स अलाओ डॉ ट्रेनर एंड ऑनर्स टू पिन पॉइंट द डाग लोकेशन वैन ऑफ लिश ठीक है जब वो घुम जाते हैं हमारी आंखों से दूर चले जाते हैं और हमने जाहिर सी बात है, फिजिकली कॉन्टैक्ट में हम से नहीं रह सकते ठीक तो है तो हमने इनको कैसे देखना है तो हम ये जी पी एस कॉलर्स उनके नेक के अराउंड प्लेस कर देते हैं जैसे कि यू कैन सी इन दिन द पिक्चर यू नो हेयर हेयर इट इज़ कॉल्ड द जी पी एस कॉलर बेसिकली सो दीज काइंड ऑफ जी पी एस कॉलर आर प्लेस अराउंड देर नेक्स्ट तो जितने भी डॉक ट्रेनर हो गए ठीक है अब वो ईजिली इसकी जो लोकेशन है डॉक उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट फंक्शन ऑफ सेटेलाइट कॉलर बेसिकली मतलब कि अब इनका फंक्शन क्या है हमने पढ़ लिया कि सेटेलाइट कॉलर्स होते क्या हैं ठीक है थीके? वो किस तरह के होते हैं हम उन्हें यूज़ कैसे करते हैं अब इनका मकसद क्या है यूज़ करने का पहले दो पहली चीज़ क्या है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ठीक है जो हमने पहले भी पढ़ी कि हम लोग ट्रैक करते हैं एनिमल को ठीक है मोनीटर करते हैं उनकी लोकेशन को वेयर दे आर ठीक है तो इस चीज़ को हम लोग किसके थ्रू करते हैं सेटेलाइट कॉलर्स के थ्रू करते हैं कैसे होता है दिस इन्फॉर्मेशन इज़ दैन ट्रांसमिटेड वाइट एट सेटेलाइट कम्युनिकेशन टू आ रिसीविंग स्टेशन ऑन अर्थ ठीक है अर्थ के ऊपर हमारे पास रिसीविंग स्टेशन है ठीक है और अब जो हमारे पास कॉलर हमने प्लेस किया उसका कोनेक्शन होता है सेटेलाइट के साथ और सेटिलाइट का कोनेक्शन होता है जो आर्थ के ऊपर स्टेशन है ठीक है रिसीविंग Re स्टेशन है तो इन दिस वे वी गेट अवर यू नो आवर एग्जैक्ट एम what is the aim of that color or what are the exact location second thing is that research and cons conservation basically they provide a valuable data on animal migration pattern basically uh, when we're moving toward the research and conservation that how we conserve or how we save that kind of animal and how we do research on specific animals and uh, sometimes these uh, kinds of animals not on only include that you know uh, the animals which are living on earth these are also marine animals or marine fishes you know are Migratory birds, these are also included in animals, and these are also tagged and they are also you know uh, detected by these satellite colors. So, uh, we can uh, you know find out their migration pattern, habitat use, and their behavior, which can be crucial for understanding and protecting endangered species. So, what are the endangered species here? The one thing is come uh, in our topic endangered species are those species which are near to extinct. जो कि अभी ख़त्म होने के करीब है मतलब अभी ख़त्म नहीं हुई मतलब जिस तरह हम कहते हैं ना डायनासोर्स वो एक्सटेंट हो चुके हैं ठीक है विच आर नियर टू एक्सटेंट ये भी खत्म नहीं हुई लेकिन उसके नियर है मैं ऐसी कुछ ऐसी थ्रेटनिंग ए, है हमारे यू नो इस जिससे वो इस थ्रेटन में है कि वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी थर्ड वन फंक्शन इज़ दैट रिमोट डेटा रिट्राइवल ठीक है रिसर्चर्स कैन के द डेटा कलेक्टेड बाय सैटेलाइट कॉलर्स रिमोटली अलाउंग टू टूगेदर इंफॉर्मेशन विदाउट फिजिकली इंटरेक्टिंग विद द एनिमल्स the thing which I uh, <coughs> written here is that कि आप physically animals के साथ uh, interact नहीं कर रहे ठीक है like आप हाल ही क्या कर रहे हैं satellites control को remotely control करके उनकी location को क्या कर रहे हैं tag कर रहे हैं उनकी location को pinpoint कर रहे हैं the fourth one is the battery life सो द लाइफ मैन ऑफ सेटलाइट कॉलर्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ डिवाइस द फ्रिक्रिक्वेंटली ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन एंड द टाइप ऑफ बैटरी यूज ठीक है तो वो कहते हैं कि एक तो एक चीज़ ये कि सेटलाइट कॉलर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ठीक है थीके? उसका साइज़ ठीक है कितना होना चाहिए डेटा की ट्रांसमिशन जो रिसीविंग स्टेशन है और सेटेलाइट उसके बीच में कैसे किस तरह हो रही है बैटरीज कौन सी यूज़ हो रही हैं ठीक है थीके? तो इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कुछ कॉलर होते हैं वो होते हैं मंथ्स के लिए कुछ होते हैं के लिए तो इनकी बैटरी लाइफ के ऊपर भी डिपेंड करता है द फिफ्थ वन इज़ द एडवासमेंट्स ऑन advancement in satellite technology टेक्नोलॉजी एंड uh, have राइसिंग लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ and एंड मोर satellite सेटेलाइट कॉलर्स allow अलाउ to टू ट्रैक स्मॉलर एनिमल्स एंड more डिटेल डेटा ठीक है तो कहते हैं जो हमारे पास एडवांसमेंट और हो रही है ठीक है satellite की टेक्नोलॉजीज़ में तो उससे कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाती है रिस, रिसीविंग स्टेशन के साथ ठीक तो है तो रिसर्चर्स जो हैं वो रिसर्चर्स को अलाउ करती है कि smaller साइज़ के एनिमल्स हैं उनको भी वो इजीली ट्रैक कर सकें, लाइक लार्जर तो होते ही हैं ठीक है लाइक मैमल्स like, हो गए ए, एलिफेंट्स वगैरह हो जाते हैं ठीक है ये तो होंगे ही होंगे इसके अलावा जो स्मॉलर एनिमल्स हैं उनको भी वो इजीली टैक्ट कर सकते हैं तो अभी मैं ये पिक्चर को जूम आउट करती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इसमें क्या क्या है ठीक है जिस तरह ये बताया गया है ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ ये देखें ये हमारे पास क्या है सेटेलाइट ये भी हमारे पास क्या है।, है अब ये जो एनिमल जिसके ऊपर ये आप देख रहे हैं ये इसकी नेक के अराउंड क्या किया गया है हमारे पास प्लेस किया गया है सेटेलाइट कॉलर अब ये सेटेलैट कॉलर से सिग्नलिंग आ रही है और ये यहाँ से ये देखें ये जा रही है इधर ठीक है इधर आए यहाँ पे क्या है से सेटेलट्स ये भी सिग्नल रिसीव करेगा ठीक है अब यहाँ से फिर ये नीचे हमारे पास देखें ये नीचे अब बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिसीविंग स्टेशन है ठीक है अर्थ के ऊपर जो कि रिसीव कर रहा है और रिसीव करके आगे ये हमारे पास कधर दिखा रहा है कंप्यूटर के ऊपर हमें दिखा रहा है कि ये चीज़ ऐसे हो रही है तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से नज़र आ रही हैं ठीक है ये देखें ये रिसीविंग स्टेशन हो गया ये हमारे पास कंप्यूटर हो गया जिससे हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये एनिमल किधर है ठीक है उसकी लोकेशन के बारे में सो व्हाट आर द एग्जांपल्स डोमेस्टिक एनिमल ट्रैकिंग कॉलर अब जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके लिए तो आई थिंक सो डैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन ठीक है अगर आप फिज़िकली उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो वो ग्रेजिंग पर्पस के लिए जाते हैं बाय ठीक है एनिमल्स को आप छोड़ते हैं या इस तरह की चीज़ों के लिए तो आप इजीली उनको इसके थ्रू क्या कर सकते हैं टैग कर सकते हैं लोकेट कर सकते हैं जैसे कि कैटल हो गया जी पी एस कॉलर्स हेल्प फार्मर्स मोनीटर द ग्रेजिंग पैटर्न ऑफ कैटल एंड प्रीम ओवर ग्रेजिंग इन स्पेसिफिक एरियाज ठीक है कहते हैं कि कैटल के केस में हम क्या करते हैं कि ये जो कॉलर्स है ये प्लेस किए जाते हैं ताकि उनका ग्रेजिंग पैटर्न देख सकें ठीक है और ग्रेजिंग से उनको रोक सकें पेट्स के अंदर क्या करते हैं हम पेट्स की लोकेशन को लाइक कैट हो गया डाग होगी जो कि डोमेस्टिक एनिमल के तौर पे हम लोग रखते हैं घरों में तो उन अगर वो गुम हो जाए तो उनकी लोकेशन को इसलिए हम ट्रैक कर सकते हैं मेरी एनिमल ट्रैकिंग कॉलरस कैसे हम यूज़ करेंगे तो शार्क के लिए वो कहते हैं शार्क टैगस आर अटैच टू शार्क फिन सेटेलाइट सॉरी तो सैटेलाइट्स को हम क्या करते हैं शार्क की जो फिन होते हैं पर हम कह सकते हैं ठीक है तो वो हम क्या करते हैं उनके साथ हम उसको अटैच करते हैं अलाउिंग रिसर्चर्स टू तो स्टडी देयर माइग्रेशन रूट्स एंड बिहेवियर इन द ओपन ओशन ओपन ओशन में उनका बिहेवियर क्या है और उनका माइग्रेशन रूट क्या है उसको हम ईजीली डिटेक्ट कर सकते हैं किससे इस सैटेलाइट कॉलर से सेकेंड वन इज द वेल्स सेटलाइट कॉलर्स आर यूज ऑन वेल्स टू ट्रैक देयर मूवमेंट एंड अंडरस्टैंड देयर माइग्रेशन रूट ठीक है वो चीज़ की वेल्स के अंदर भी हम उसका माइग्रेशन पैटर्न देखेंगे उनकी मूवमेंट कैसे हो रही है ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अच्छा अब हम जो पहले बात की हमने कि जी पी एस और वी एच एफ कॉलर्स क्या होते हैं ठीक है थीके? तो पहले हम वी एच एफ कॉलर देखते हैं वो क्या है वो क्या चीज़ है वी एच एफ होता क्या है तो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इसका मतलब है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी कॉलर आल्सो नोन एज पल्स कॉलर अब क्या होता है इसमें वी एच एफ कॉलर ट्रांसमीटर अटैच टू टू अट्टी एनिमल एमिट अ पल्स रेडियो सिग्नल अलाउंग अ पर्सन टू फिजिकली लोकेट एंड ऑब्जर्व द एनिमल बाई होमिंग इन टू द सिग्नल यूजिंग अ रिसीवर एंड अ डायरेक्शनल एंटीना ठीक है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ठीक है ये यह देखिए यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ों की बात की डायरेक्शन एंटीनास की बात की ठीक है और वी ट्रांसमीटर की बात की ठीक है ये ट्रांसमीटर होता है और एंटीना होता है ठीक है जिसको हम रिसीवर uh, होता है ठीक है और एंटीना होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं इन तीन चीज़ों की हेल्प की मदद से हम एनिमल को लोकेट कर सकते हैं फिजिकली ठीक है ये आप देख भी सकते हैं पिक्चर को मैं जूम कर रही हूँ ये वही हमारे पास वी एच एफ कॉलर्स हैं ठीक है जो कि एनिमल्स के अराउंड किए जाते हैं द नेक्स्ट वन इज़ द जी पी एस कॉलर जी पी एस ट्रैकर इन द कॉलर वर्कस बाई कनेक्टिंग टू सेटेलाइट्स एंड ट्रांसमिटिंग लोकेशन कोऑर्डिनेट्स टू मोबाइल एप्लीकेशन ठीक है अब इसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टली हम मोबाइल अपने के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है विच चीज विल बी डिस्प्लेड ऑन स्मार्टफोन स्मार्ट फोन इंटरनेट कनेक्शन गुड थिंग अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है और नहीं भी है फॉर एग्जांपल तो आप इजीली अपने एक स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन हो ठीक है एंड्रॉड फोन है आपके पास तो आप इजीली उसकी लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं ठीक है कनेक्ट करके ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द थिंग इज दैट यू हैव टू कम्युनिकेट टू द सैटेलाइट्स ठीक है यू हैव टू कनेक्ट टू द सैटेलाइट्स और उसके थ्रू आप क्या करेंगे कि अपने मोबाइल के ऊपर जो है आप देख सकते हैं आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल है तो आप वहाँ पे इजीली वहाँ पे उसकी लोकेशन को लो, आ, लोकेट पिन पॉइंट कर सकते हैं ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग एंड इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी रिलेटेड टू दैट टॉपिक सो आई विल गिव यू अ फर्दर इंफॉर्मेशन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर यूर यू नो क्वेरीज एंड क्वेश्चन सो थैंक यू सो मच Please subscribe the channel and like the videos and comment if you have any inquiry. So, thank you so much.